दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जिन बच्चों सिलेक्शन हो जाता है तो वो जरूर जो थैंक यू जरूर बोलते हैं। यार एक बार बताइए, मेरे चैनल के माध्यम से यदि आपको नौकरी मिल रही है तो थैंक यू बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ, सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ जिले में चल रही माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में आपके द्वारा जानकारी मिली तो मैंने अपने भाई का फॉर्म जो है ऑनलाइन करा दिया था, जिसमें उसका चयन हो गया है, उनको ज्वाइनिंग लेटर जो है मिल गया है। तो अच्छी बात है, देखिए है ना, बहुत बहुत बधाई हो इनके भाई को। कम से कम चैनल के माध्यम से जानकारी मिल तो रही है, लोगों को नौकरी तो मिल रही है ना। तो यहाँ पर जो है, और एक भाई और इन्होंने भी कमेंट किया हुआ है, सर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सर रायबरेली चपरासी भर्ती का जो ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया, देख लीजिए मेरे चैनल के माध्यम इतना लोगों का भला हो रहा है, फिर भी आप थैंक यू नहीं बोलते हैं जो भाई। और यहाँ पर भी देख लीजिए, कमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो चुपचाप बैठे रहते हैं। यहाँ पर लगा, सर मेरा चपरासी भर्ती में ज्वाइनिंग हो गया है सर, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से, आपको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। देख लीजिए मेरे चैनल के माध्यम से नौकरियाँ लोगों को मिल रही हैं, तो इसमें थैंक यू बोलने में कोई आफत नहीं। और यहाँ पर लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पूरे भारत के यूट्यूबर में से एक हो जो बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देते हो। सही कहा है, तो ये लड़के वो हैं जो मेरे चैनल के माध्यम से नौकरी ले चुके हैं। मैं तो केवल बताता हूँ, मेहनत आप करते हैं, फार्म आप डालते हैं, इंटरव्यू आप देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ, अलीगढ़ में जो है चपरासी भर्ती का आज मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है मुझे भी। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, तो यहाँ से अटैचमेंट कॉलेज है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, ठीक है। वहाँ पर सरकारी, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी लैब अटेंडेंट चपरासी सबकी वैकेंसी आ चुकी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका हिंदी का आपको नोटिफिकेशन है, ये है ना, भरने वाले भरते हैं और ना भरने वाले बेचारे देख लेते हैं, तो इसमें कम देख के दूसरों को कम से कम अवगत करा दिया करें, दूसरों को बता दिया करें। पर्सन असिस्टेंट, इसके बाद असिस्टेंट, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट, इसके बाद लेबोरेटरी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है, इसके बाद जो है लैब अटेंडेंट कौन कौन से होते हैं, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका जियोलॉजी, ये जो लैब होती हैं तो लैब अटेंडेंट रखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि स्केल वन का लेवल वन की सैलरी मिलेगी आपको इसमें जो है ना। बस करना क्या है, करना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आता हूँ और आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते, 21 दिन के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए बोला गया है, ठीक है, 21 दिन के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे आएंगे, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो है ये है ना पुस्तकालय परिचर, परिचर आप जानते हैं कि चपरासी जो होते हैं, ठीक है, परिचर बोलते हैं उसको जो है हिंदी में। और यहाँ पे जो है जूलॉजी है, बॉटनी है ना, प्रयोगशाला सहायक क्या बोलते हैं, लैब अटेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भर्ती निकाली गई है उनकी, और यहाँ पर जो टर्म कंडीशन, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, टर्म कंडीशन क्या क्या है, एज लिमिट क्या है, सरकारी नौकरियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर सैलरी कितना दिया जाएगा, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, 7th पे के अनुसार सैलरी कम से कम 38,000 से कम सैलरी लैब अटेंडेंट की नहीं होगी, क्योंकि डिग्री कॉलेज की नौकरी है, ठीक है। एक डिग्री कॉलेज के लैब अटेंडेंट और इंटर कॉलेज क्लर्क की सैलरी बिल्कुल सेम है ये। तो यहाँ पे जो है आप 12 जनवरी 2024 तक इसके अंदर फॉर्म आप ये जो है भर सकते हैं, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर फॉर्म ये भर दीजिएगा आप। और एक वैकेंसी और आया हुआ है इसके अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, अकाउंटेंट जनरल की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसियाँ हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है ये अकाउंटेंट जनरल की हैं, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म तो भर सकते हैं, सैलरी परमानेंट क्लर्क की सैलरी है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो क्लर्क की नौकरी है, अगर आपको बिलीफ नहीं होता तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये जो है क्लर्क जो है DEO है ना, 12th क्लास पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी पैट सेट, यहाँ पर लिखा हुआ क्लर्क की भर्ती है ये। तो यहाँ पर जो है ये क्लर्क की नौकरी यहाँ पे जो है वो निकाली गई है, क्लर्क और DEO के हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप भर सकते हैं फॉर्म, अच्छा है ये है ना, दिल्ली के अंतर्गत है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिल्ली कोई हाँ दूर नहीं है, ठीक है। और वेबसाइट आपको ये दे रखी है, यहाँ पर जाके वाला फॉर्म आप ये जो है भर सकते हैं। ये बात करेंगे आपको गौतम बुद्ध नगर की तरफ से, मैंने आपको बोला था ना गौतम बुद्ध से जो शिक्षा विभाग है उसमें भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक नहीं मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा कमेंट इसी यही आएंगे। 23 दिसंबर का है ये, आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग गौतम बुद्ध नगर की, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। सैलरी की बात करेंगे, 22,000 रुपये सैलरी है ये, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर जो बताई गई, कहने मतलब कि आपके अगर 10th क्लास पास वाली की अलग नौकरी है यहाँ पर जो, तो उसके लिए अलग नौकरी है, ठीक है। आवेदन प्रारूप ये है, आपको टाइप करा लेना है आवेदन प्रारूप, और यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है फॉर्म भर देना है।
और यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे दिया हुआ घोषणा पत्र यहाँ पे दिया हुआ एट्थ क्लास, यहाँ पे लिखा हुआ एट्थ क्लास पास चपरासी की नौकरी होती है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद इसमें हाई स्कूल पास, इंटरमीडिएट पास ये नौकरियाँ हैं ये जो हैं। तो आपको करना क्या है, www इसमें गौतम बुद्ध नगर .com पे जाके जो है ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये मैंने आपको बोला 7 जनपद से जो है ये अभी भर्ती आ चुकी है। एक बार बताइए, अगर हरदोई डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट अगर है हरदोई में, अगर उसे नौकरी मिल जाती है इंटर कॉलेज में, उसे घर के नज़दीक 9-10 किलोमीटर के अंतराल में आराम जाना और आना, 12,000 की नौकरी होती है, आप समझ सकते हैं। चपरासी की नौकरी है, क्लास 4th की नौकरी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं क्लास 4th की नौकरी है, 30 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, ठीक है। इसके बाद सीतापुर का नाम आपने सुना ही होगा, सीतापुर में भी जो भर्ती आई है, इस तरीके से कमेंट कर रहे थे तो मैं वही आपको कमेंट दिखा रहा हूँ मैं। और एक एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एक नहीं 78-78 100-100 वैकेंसियाँ हैं और 603 वैकेंसी कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। सैलरी पैकेज बढ़िया है और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपका हर डिस्ट्रिक्ट से आ चुकी, उन्नाव हो गया ये आपका, नीचे आएंगे लखीमपुर खीरी हो गया, ये सब जो फोर्थ क्लास की नौकरियां हैं, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो एडेड कॉलेज होते हैं वहाँ पर भर्ती निकाली गई। अगर आपने, मैं आपको याद दिला रहा हूँ बार बार, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज़ भर दीजिएगा, ये लखनऊ भर्ती आई हुई है और ये बताइए तो भर्ती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये, और कल इसकी डेट निकल गई थी यहाँ पे जो 28 तारीख है, कल 27 तारीख है 11,000 रुपये सैलरी, मतलब चपरासी भर्ती में 11,000 रुपये सैलरी मिलेगी और लड़कों को जॉइनिंग लेटर भी मिल रहा है इसमें जो। और आपका जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये बहुत जल्द बनकर तैयार होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो है ये आज का अखबार में मैं भी दिया हुआ, शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह का करना होगा इंतजार। 2 माह का क्यों, क्योंकि आपका जो आपको नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है बनकर तैयार हो रहा है, 2 महीने में वो बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर जो है भर्ती करा ली जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भर्ती अटकी हुई है, बहुत जल्दी इसमें कराई जाएगी। 4163 पदों पर भर्तियाँ थी यहाँ पर जो है। बात करेंगे यहाँ पे जो एडेड इंटर कॉलेज के क्लर्क भर्ती की, तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 27 फरवरी को जो है उससे पहले फाइनल हो सकती है। तो मैं आपको बता जाऊँगा एडेड कॉलेज के अंदर क्लर्क भर्ती उससे पहले भी फाइनल हो सकती है, क्योंकि देखो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई, सरकार अगर चाहेगी ना सब कुछ हो सकता है, आप भी जानते हैं जो है उससे पहले ही हो सकते हैं। वहाँ 27 फरवरी की डेट लगा दी गई है, तो अभी जैसे कि एक इंटर कॉलेज था बलदेव है ना, और उसका जो है भर्ती विज्ञापन निकाला गया था ना, तो इसमें बताया गया था, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं पुराने क्लर्क भर्ती का जो रास्ता साफ क्लियर हो गया है, सर बताइए प्लीज़ रिप्लाई। भर्ती का रास्ता तो साफ है ही, पर ऐसी बात नहीं है कि बात यह ना कि कब क्लियर होगा, वो तो मेरिट लिस्ट दिखाएंगे। यहाँ पर पूछा गया सर मेरिट लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करते हैं, मैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करता हूँ, जो चपरासी भर्ती की जो वो लिस्ट आती है, ठीक है, मेरिट लिस्ट आती है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और ये परमानेंट कब होंगे यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊँ, सफाई कर्मचारी भर्ती 2008 में हुई थी, वो सब जो है अखिलेश सरकार की जब आई थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी है ना, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो है परमानेंट कर दिया गया था, 2008 में भर्ती निकली तब उसके बाद, तो आप ही परमानेंट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच।